सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गुरुवार को डाल्टनगंज शहर में दुपहिया वाहनों के लिए चलाए गए सघन जांच अभियान में लगभग 100 मोटरसाइकिल पकड़े गए और मौके पर उनकी चालान काट दोषी चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए छोड़ा गया। जांच अभियान का नेतृत्व कर रहे यातायात प्रभारी रुद्रानंद सरस ने कहा कि हेलमेट और मास्क की विशेष रूप से जांच की गई। इसमें यह बात सामने आई है कि हेलमेट और मास्क लगाने के मामले में ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे लोग शहरी लोगों के मुकाबले अधिक जागरूक हैं। यातायात प्रभारी ने कहा कि जांच अभियान SP संजीव कुमार के निर्देश पर चलाया जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। वहीं लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर सभी को यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है। कहा COVID-19 के संक्रमण काल में कोविड प्रसार रोकने हेतु सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी अक्षरशः पालन करना है। अभी तक करीबन 100-2000 कॉलोनी रोके हैं और CTO साहब के स्टाफ आ रहे हैं। हम लोग प्रत्येक टीम से चला रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि जैसे हमें फेर के नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो लोग स्टाफ प्रवेश कर रहे हैं हमारा जितना भी स्टेट फोर्स है प्लस हमारे जितना भी यातायात के हमारा पुलिस अधिकारी हैं या कांस्टेबल हैं सभी लोग इस पर तत्परता से जो है से हेलमेट को चेकिंग में पकड़ रहे हैं। अभी करीब लग रहा है कि देखिए 100 गाड़ी आपके सामने लगा हुआ है। सर लगातार चेकिंग अभियान चलती है, प्रतिदिन चलती है, परंतु प्रतिदिन 100 गाड़ियां जब्त होती है, पकड़ी जाती है, लेकिन सर सुधरने का नाम लोगों में नहीं है, क्या कहेंगे सर? देखिए इसमें 90% लोग हेलमेट पहन लिए, जो 10% ऐसे लोग हैं जो टाउन के लोग कहते हैं कि जो है से देहात के लोग हैं से बिना हेलमेट का रहने के लिए, ऐसा नहीं है। जो सुदूरवर्ती इलाके से आ रहे हैं वह हेलमेट पहनकर मास्क पहन के विधिवत अपना घर से चल रहे हैं, जान रहे हैं कि मेरा कोई चैली नहीं है, हमको सुरक्षित जाना है, सुरक्षित घर वापस आना है। लेकिन कुछ ऐसे घर टाउन के लोग हैं जो बोलते हैं हमको दुकान में जाना है या कोई सामान परचेज करने के लिए जा रहे हैं, रोड एक जाना है तो हेलमेट पहन के चलें क्या, इस ढंग से उनका कहना है। लेकिन अगर वो नहीं चलते हैं तो उनका गाड़ी तो पकड़ाएगा और हम पकड़ेंगे। विधिवत BDO साहब के स्टाफ जो है से चलान ऑन स्पॉट फाइन कर रहे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय साहब का जो आदेश है कि सभी व्यक्ति हेलमेट पहन कर चलें। दूसरी बात है कि हेलमेट पहनने से जितना भी एक्सीडेंट होते हैं हेलमेट पहनने के बाद संभवतः बचने का चांस रहता है। तो हम लोग का ज़्यादा फोकस है कि एक्सीडेंट होने अगर जो रेसिंग में गाड़ी चला रहे हैं तो हम तो रेसिंग में गाड़ी चला नहीं रहे हैं, वह चेक पोस्ट मेरा पकड़ रहा है, जो चेक पोस्ट पकड़ रहा है उस उनको भी दंडित किया जा रहा है। उनको हमको फ़ोन करते हैं तो हम जाते हैं उनका गाड़ी पकड़ के उनका विधिवत ड्राइविंग लाइसेंस का हम लोग सस्पेंड करवा रहे हैं। और जो है से लोगों को ये लग रहा है कि हम छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है कि छूटेंगे, यहाँ पर DTO साहब का स्टाफ आ रहा है विधिवत फाइन होगी, उसके बाद वो जब अपना गाड़ी ले जाएंगे। हेलमेट का दाम मात्र 1000 रुपया है, ये फाइन का 1000 फाइन है हेलमेट का। अगर ये लोग जो अच्छे हैं उनको लगता है कि हेलमेट पहन के चले तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, फाइन भी हमको नहीं देना पड़ेगा। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि फाइन हो, लेकिन अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो मजबूरी है कि हम लोग जो है से आप